दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कभी कभी हम लोग को CIF नंबर की आवश्यकता पड़ जाती है। तो CIF नंबर हम कैसे पता करेंगे, कैसे जान पाएंगे, कैसे निकालेंगे, कंप्लीट गाइड इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि आप किस तरीके से CIF नंबर पता कर पाएंगे अपने यहाँ पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक ना। आइए इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी नेट बैंकिंग में या कहीं कहीं आवश्यकता पड़ जाती है CIF नंबर फाइंड करने का या फिल करने का। तो चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं, आगे सीखेंगे कि CIF नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आइए आगे बढ़ते हैं, जानकारी अच्छी लगेगी तो सपोर्ट करिएगा। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड यंग्स यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों मैं लाइव स्क्रीन पर आ चुका हूं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CIF नंबर होता है उसे आप दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका यह होता है कि आपका जो बैंक पासबुक होता है ना, यहीं पे देख लीजिए CIF नंबर लिखा रहता है बैंक पासबुक पे अकाउंट नंबर के ऊपर, ठीक है। इसके सामने जो लिखा गया है वही आपका CIF नंबर, देखिए यहाँ पर लिखा है ना CIF नंबर, इसके सामने जो अंक लिखी गई वही आपकी CIF नंबर है। तो आप अपने बैंक पासबुक से पता कर सकते हैं। और यदि आपके पास बैंक पासबुक नहीं है और आपको आवश्यकता है कि हमें चाहिए ही चाहिए CIF नंबर, तो मैं एक तरीका आपको बताऊंगा। तनी लंबी थोड़ी सी वीडियो होगी लेकिन आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। नंबर है 1800-1234, इस नंबर पे कॉल करना है जो नंबर आपके बैंक से लिंक है, ठीक है, उसी से कॉल करना होगा। मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए मैं कॉल कर रहा हूँ और जैसे मैं यहाँ पर बात करूँगा तो यहाँ हमारा निकल जाएगा जो CIF नंबर है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। एक दबा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करें। ATM कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते की शेष राशि प्राप्त करने और खाते के विवरण के लिए 1 दबाएं। ATM कार्ड और चेकबुक सेवाओं के लिए 2 दबाएं। SBI योनो, इंटरनेट बैंकिंग और ब्याज प्रमाण पत्र के लिए 3 दबाएं। दो दबा दीजिए, ठीक है, दो दबा दीजिए। ATM कार्ड का पिन जनरेट करने या बदलने के लिए 1 दबाएं। अपने ATM कार्ड को ट्रैक करने के लिए 2 दबाएं। कार्ड को बदलने का आवेदन करने के लिए 3 दबाएं। चेकबुक के लिए निवेदन करने के लिए 4 दबाएं। अपनी चेकबुक की डिस्पैच ट्रैक करने के लिए 5 दबाएं। ATM कार्ड को स्विच ऑफ ध्यान दीजिए के लिए 6 दबाएं। हमारे सलाहकार ध्यान दीजिए करने के लिए 9 दबाएं। 9 दबा दीजिए, थोड़ा सा वेट करिए। ग्राहक से है, कृपया होल्ड कीजिए। ये कॉल हमारे गुणवत्ता विभाग के प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। अपनी गुप्त जानकारी जैसे कि OTP, CVV, ATM पिन, टी पिन, प्रमाण पत्र जी। नमस्ते सर, सर हमें CIF नंबर सर जानना था अपने अकाउंट नंबर का। CIF नंबर जानना जी सर। जी सर, जी जी सर। आपने बताया कि आपको अपने खाते का CIF नंबर जानना था जी। जी जी सर जी, बताना चाहेंगे CIF नंबर जो है वो हमारे द्वारा नहीं बताया जा सकता है क्योंकि कॉल पर इन्फॉर्मेशन होती है। कैसे निवेदन करेंगे, आप ब्रांच चले जाइए, ब्रांच से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं CIF नंबर के बारे में। तो सर हम आउट ऑफ स्टेट सर थे, बाहर थे सर। जी जी, या फिर आप अपने पासबुक में भी चेक कर सकते हैं। सर पासबुक भी सर नहीं मेरे पास है सर, ऑनलाइन हेल्प ही चाहिए था, मैं रजिस्टर्ड नंबर से कॉल किया हूँ सर। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, बट CIF नंबर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, आपके खाते की सेफ्टी के लिए ही बताया जा रहा है, आपको ब्रांच में ही जाना होगा इसकी जानकारी के लिए। तो सर जैसे सर हम अपने राज्य में नहीं थे सर, बाहर थे, दिल्ली में थे प्रेजेंट टाइम में, तो आपकी ब्रांच का नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं आपको जानकारी का। जी जी सर, नंबर सर प्रोवाइड करवा दीजिए। ब्रांच का कोड जान सकते हो क्या मैं आपकी? सर जी सर, 8258 8258 किशनपुर है सर। 8258 यस सर। आईएफएससी कोड सर, आईएफएससी तो याद नहीं होगा सर प्रेजेंट।
जी सर। कॉल पे बता दिया जी जी सर। जी जी सर। जी सर किशनपुर सर। नोट कर लीजिए नंबर। जी सर 8780 92 क्या सर? 28 जी सर 28 डबल थ्री। सर इस नंबर पे कॉल करके सर क्या बोलना होगा सर वहाँ पे? जी जी सर आपको मेल आईडी अगर जानती तो मेल आईडी बता दीजिए। जी जी सर ब्रांच का सर ईमेल आईडी? जी ब्रांच की मेल आईडी नोट करना चाहेंगे सर। कॉल मेल पे पता चलेगा सर फिर कॉल करने पे? किसी माध्यम से पता कर सकते हैं आप। ठीक ठीक थैंक यू सर मैं कॉल के माध्यम से पता कर लूँगा। नहीं सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कस्टमर केयर से मैंने हेल्प लिया तो उन्होंने ब्रांच का नंबर दिया जिस नंबर पे कॉल करके हम सीआईएफ पता कर सकते हैं या फिर हम जो ईमेल आईडी वो बोल रहे थे ईमेल आईडी भी दे देते हैं और वहाँ से भी हम सीआईएफ नंबर निकाल सकते थे। तो जो भी थी जानकारी आपको देने का अच्छे से प्रयास किया, जानकारी अच्छी लगी हो ना तो सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों।